गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज नए ब्लॉग को। गाइस अभी सुबह के 9 बज गए हैं और आज मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा है धोने के लिए, लेकिन कपड़े नहीं सूख पाएंगे क्योंकि आज धूप ही नहीं लगी है। तो देखते हैं मौसम साफ होता है या नहीं। तो फिलहाल तो ये देखिए, सामने मैंने दीवार में ही पोस्टर लगाए हैं, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। तो आज मुझे बहुत दर्द हो रही है, तो पिछले कल से ही हल्की हल्की दर्द हो रही थी मुझे गले में, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है और सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक साइड ही होती है मुझे हमेशा, तो मुझे माइग्रेन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आज। तो ये देखिए मौसम बहुत ख़राब है आज। और ये देखिए आदि को मैंने नहला धुला के यहाँ पे सुला दिया है। तो गाइस अभी हमने खाना पीना खा लिया है सबने, और आज सारे घर में ही हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो आज कोई भी खेत नहीं गया है काम करने। तो अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो देखिए अभी मौसम ऐसे ही है ख़राब। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। तो अभी चाय पानी बनाते हैं और दादा दादी को भी चाय दे देती हूँ मैं टाइम से। तो आज हम चाय के साथ बनाएंगे ये पोहा। देखिए हमारा पोहा बन चुका है और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। तो अभी दादी जी उठ गए। दादा इन पता कौन है। तो दादी जी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, तो दादी से पूछेंगे कि कैसा बना है। केड़ा बनोस चाय लुटाना दादी वही सब ला बुझू। चाय पीना आओ, चाय पीना जुटा और जा। सृष्टि चाय पियो। सृष्टु सृष्टु चाय पीनी, चाय पीनी। पैकेट मत का, दादाजी का खाने का स्टाइल। तो गाइस अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी जाके मैं उठी हूँ। तो अभी भी मुझे वैसे सिर दर्द तो मेरी ठीक हो गई क्योंकि दादाजी ने मुझे दवाई दी थी, लेकिन अभी भी मुझे गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी खा रही हूँ तो उसको निगलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत दर्द हो रही है यहाँ से। तो इसके बाद मैं नमक के पानी के गरारे करूँगी। और आदिक भी मेरी गोदी में सोया है, ये देखिए। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5 और अभी जाके मैं उठी हूँ। तो अभी मुझे अपनी तबीयत भी ठीक लग रही है पहले से, जब से ये देखिए आदिक जी घोड़े बेच के सोए हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे आजकल मौसम चेंज हो गया है, गर्मी से सर्दी हो गई है। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है सुबह शाम, तो शायद उसी वजह से मैं थोड़ी बीमार सी हो गई थी। तो आज डिनर में बन रही है ये मीठे करेले की सब्जी। तो देखिए ये सासू माँ खेत से लेके आए थे, बेल के साथ ही लेके आए थे। तो अभी दीदी इनको निकाल रहे हैं और आज इनकी सब्जी बनेगी। तो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद इसकी सब्जी नहीं है, है? तो गाइस अभी आई मैं यहाँ पे, थोड़े से करेले और ले जाएंगे क्योंकि वो कम हो गए। तो चोरी करने आई हूँ मैं यहाँ इनकी। तो देखिए काफ़ी टाइम के बाद मैं नंद जी से मिल रही हूँ।
तो आजकल ये बहुत ज्यादा बिजी होते। तो देखिए मेरी बिंदी भी नहीं है तो वो गिर गई होगी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतने छोटे तो बहुत छोटे हैं, इसमें तो कांटे कितने बड़े बड़े हैं। आओ देवा। तो ये देखिए बड़े बड़े मीठे करेले, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लगे हैं। तो देखिए दादी जी भी टहल रहे हैं। तो सैनी मालामा। तो ये देखिए यहाँ पे छील भी बन गया, तो इसमें डाले हैं राजमा के छिलके नंदन जी ने। और देखिए यहाँ पे दादी जी मक्की जला रहे हैं। तो दादी जी बोल रहे हैं कि मुझे मत दिखा। तो अभी दादी जी हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। देखिए दादी जी खुद खेत को गए हैं और खुद वहां से मक्की लेके आए हैं। चिमटा ना नरम नरम थे बापू। तो देखिए दादी जी ने भुट्टे को जला दिया है अच्छे से, तो अब खाएंगे दादी जी। तो अभी हम डिनर बना रहे हैं और अभी मैं तंदूर के लिए लकड़ियां लेके आई हूँ। और ये देखिए जी सामने का व्यू। तो ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर बारिश आने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठने आ गई हूँ और अभी डिनर बनाने के लिए भी काफी टाइम है। तो अभी मैं अपने रूम आ गई हूँ सोने। तो अभी बज गए हैं रात की 8 और आज मैंने खाना भी जल्दी खा लिया है क्योंकि मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। तो मुझे भूख भी लग रही थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो बाकी अभी खाना खा रहे हैं तो मैं आ गई सोने। वैसे हम डेली साथ खाते हैं खाना, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई सोने। और आदबी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, इसको भी थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो आदबी भी सो गया है। देखिए तो आजकल आदबिक भी 9-10 बजे जल्दी सो जाता है, फिर 1-2 बजे उठ जाता है। तो मतलब पहले से आदबिक अब सोने लगा है, पहले तो ये सोता ही नहीं था 2-3 बजे तक, लेकिन अब आदबिक सोता है अच्छे से। तो मैंने दवाइयाँ भी मंगाई थी जेट जी से, तो वो दवाइयाँ लेके आए हैं तो मैं दवाइयाँ खाऊँगी, तो उसके बाद देखते हैं तबीयत कैसी होती है मेरी। तो अभी ये दवाइयाँ दीदी लेके आए हैं आदबिक के लिए। तो गाइज अभी रात के 11 बज गए हैं और अभी तक मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी और अब मैं बस सोने जा रही थी, तब तक हमारे आदबिक उठ गई है। देखिए आप उठ गए और अब आदबिक 1-2 बजे ही सोएगा, उससे पहले नहीं सोएगा क्योंकि इसकी आंखों को देख के ही पता लग रहा है कि अब इसको नींद नहीं है और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन क्या करें, बड़ा मुश्किल है गाइस बच्चों को संभालना, बच्चों को बड़ा करना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।